छाबड़ा जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके सामने बाली नगर है, पानी भर गया था काफ़ी, हर साल भर जाता है। शहर के अन्य इलाकों का भी बुरा हाल है, जैसे ट्रिपल नाइन टेलीकॉम के सामने पुष्पा कम्प्लेक्स एरिया, आगरा चौक रेस्ट हाउस, जया बस्ती, एकता नगर, लाइन पार इलाका। कहने को तात्पर्य है कि तमाम के तमाम ऐसे इलाके जो अक्सर नीचे रह जाते हैं वो डूब गए थे। देखिए ये जो है ना, आज के समय जो है ना, अमृतकाल चल रहा है, ट्रिपल इंजन सरकार है, और उसमें तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जो आपने नाम गिनवाए सारी सुविधाएं उन लोगों को मिल रही हैं। ये व्यंग मेरा इसलिए है कि क्योंकि बाली नगर में मैं रहता हूं, मेरा व्यवसाय यहीं पर है बाली नगर में। बाली नगर में हर साल पानी भरता है। दो साल पहले तो इतना बुरा हाल हुआ था कि लोगों के फ्रिज और सोफे भी डूब गए थे पानी में, तो फिर भी किसी थोड़ा और पीछे जन्मों में कुछ साल पहले एक बच्चे की पानी में डूबने से मौत भी हो गई थी। हाँ, वो तो शास्त्री पार्क के पास हुई थी, वहाँ पर हुई थी, बच्चे के पानी में डूबने से मौत हुई थी। फिर भी प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, उनको अपना मतलब है कि अपना जो होते हैं ना, जो कहते हैं अपने आका की वो करनी है, हाजिरी भरनी है, बस उसी से राजी है। बस चाहे हमारा विधायक हो चाहे हमारे सांसद हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे पे जो केस दर्ज कराना करा दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अपने आका की हाजिरी भर रही हैं। और इसके अलावा मैं और आगे चलूं अगर आप कहो तो, बताओ। आगरा चौक देखिए, आगरा चौक एक तरह से रामलीला मैदान बना हुआ है आज की डेट में, कि कोई कहीं से आ रहा कोई कहीं से जा रहा, पुलिस बूथ है, पुलिस बूथ वो बैठे हैं कर्मचारी, एक बार भी कोई हिल के आ जाए तो बता दो ट्रैफिक के लिए, वो किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है तो वो भगवान ना करे वो दुर्घटना हो, पर पुलिस वालों को तो उसी का इंतजार है कि बड़ी दुर्घटना चाहिए इनको। एक रॉन्ग साइड भी आते हैं आपके कैंप से आते हैं इस तरफ फ्लाईओवर के, ये पंचायत भवन के सामने जो बनाया कट बनाया उस वजह से सारा रॉन्ग चल रहा। आगरा चौक पे तो इतना बुरा हाल है, और मैं आपको समय गणना बता देता हूँ, क्योंकि मेरा लगभग रोजाना चक्कर लगता है सरकारी अस्पताल में, नागरिक अस्पताल में लगभग रोजाना ही लगता है मेरा, तो मैं आपको गणना बता देता हूँ कि आप 10 बजे के बाद आगरा चौक से सोना मोड़ तक जाके देख लिए, आपको पता लग जाएगा कि पलवल की असलियत क्या है, कितना दौरा दौरा जाए घोड़ा, तो वो पता लग जाएगा घोड़ा कहाँ दौड़ता है, ये पता लग जाएगा। 85 लाख रुपए पर मंथ खर्च हो रहे हैं, पार्षदों ने अभी बताया, उन्होंने कईयों ने तो नाराजगी प्रकट की है, कईयों ने कहा कि इतना तो खर्च हो ही जाता है। पार्षदों का क्या कहना हो बताऊं, बाली नगर का पानी का कल मुझे पता है, मुझे शाम को 6 बजे खाना नसीब हुआ, इतना बरसात थी, और न्यू कॉलोनी के वीडियो इतने आ रहे हैं, चाहे मेरा भाई है अनिल गोसाई, पर पानी तो हर जगह भरा हुआ था, उसमें कोई फर्क ही नहीं था। आपकी चप्पल भी बह गई थी सच्चे? हाँ जी। कैसे बह गए? बरसात के पानी में चले गए, सारा कुछ चला गया। और क्या क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा तो नुकसान नहीं, जो आम जनता का नुकसान है वो सबका नुकसान, सामूहिक नुकसान है, इनको दोरा दोरा को क्या नुकसान है, ये तो नुकसान तो आम जनता का है।